गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिएगा, प्रीवियस क्लास में हमने चैप्टर 7th 12th क्लास फिजिक्स के लिए डिस्कस कर रहे थे, और लास्ट क्लास की बात करें तो हमने लास्ट क्लास के अंदर जो एसी करंट होता है, ठीक है, एसी करंट की बात, करंट के अंदर हमने एक तो हाफ साइकिल के लिए, हाफ साइकिल के लिए मीन वैल्यू के बारे में डिस्कस किया था, और हमने देखा था कि जो मीन वैल्यू है हाफ साइकिल के लिए, जो मीन वैल्यू है वो कितनी आती थी, 0.637 ऑफ ए आई नोट, यानी लगभग 63% की अगर हम बात करें ऑफ ए आई नोट के बराबर आती थी। क्लियर? तो ये तो क्या होती थी उसकी पीक वैल्यू की, जो आई नोट क्या होता है, पीक वैल्यू को डिनोट करता है मैक्सिमम को, उसकी एवरेज वैल्यू है वो कितनी होती है, लगभग 63% होती है। क्लियर? इसके अलावा हमने जो आरएमएस वैल्यू है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू है, उसके बारे में भी डिस्कस किया था, और हमने देखा था कि जो आरएमएस वैल्यू है वो पीक वैल्यू की कितनी आती थी, 0.70 ऑफ ए आई नोट की लगभग, यानी लगभग अगर हम बात करें तो ये 70% के बराबर होती थी ऑफ ए आई नोट। ये दो हमने पढ़ चुके थे, ठीक है, जिसके अंदर यानी पहला तो कितना हो गया, जो पीक वैल्यू है वो एवरेज वैल्यू का कितना टाइम होती है, 0.637 टाइम, या बोल सकते हैं हम उसको लगभग 63 टाइम होती है। ठीक है, अगर हम बात करें उसकी आरएमएस वैल्यू की तो वो कितनी होती थी, 0.07 बोल सकते हैं, यानी लगभग कितना होता था, 70% के बराबर होती थी। यानी अगर हम इसको ग्राफ के द्वारा रिप्रेजेंट करें, देखिएगा अगर हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें कि जैसे ये एक्स एक्सिस के अलोंग हमने ड्रॉ कर रहे हैं, मान लेते कि ये वाली जो वैल्यू है एसी की पीक वैल्यू के द्वारा नोट की जा रही है, यानी ये वैल्यू है, ये क्या होगी उसकी पीक वैल्यू होगी आई नोट, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट यहां तक का। अगर हम आरएमएस के लिए कैलकुलेट करें तो आपको पता है आरएमएस लगभग कितना होता है, 70% ऑफ ए पीक वैल्यू, यानी आरएमएस का जो ग्राफ होगा वो लगभग कितना होगा, इस तरह से हम इसको नोट कर सकते हैं। ये यानी ये जो वैल्यू है ये कितनी होगी, 70, यानी सीधा मैं लिख देता हूँ 0.7 ऑफ ए आई नोट, यानी ये किसको नोट करती है, ये है आरएमएस वैल्यू। अगर हम बात करें एवरेज की तो एवरेज तो कितना होता है, 63%, तो हम मान लेते कि ये एवरेज का ग्राफ हो गया, तो ये किसको नोट करती है, आई एवरेज को, और ये कितनी होती है, लगभग 63% ऑफ ए आई नोट। तो जो ये इतना हम पढ़ चुके थे लास्ट के क्लास के अंदर, तो ये जितने भी हमने मेन वैल्यू या एवरेज वैल्यू डिस्कस की थी ये अल्टरनेटिव करंट के लिए थी, यानी अल्टरनेटिव करंट के लिए थी। अगर हम बात करें कि हमें ईएमएफ के लिए और कैलकुलेट करें कि ईएमएफ के लिए फर्स्ट हाफ साइकिल में कितनी एवरेज वैल्यू होगी, या फिर हम बात करें ईएमएफ के लिए जो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू है वो कितनी होगी, उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका कि मीन, या फिर हम इसको क्या बोल सकते हैं, एवरेज मीन या एवरेज वैल्यू ऑफ ईएमएफ फॉर हाफ साइकिल, यानी ईएमएफ की जो वैल्यू है हाफ साइकिल के लिए वो कितनी होगी। तो आपको पता है कि बच्चों जो ईएमएफ की इक्वेशन होती है उसको हम कितना लिख सकते हैं, ई इक्वल टू ई नोट साइन ओमेगा टी,
इस तरह से भी अगर वोल्टेज की फॉर्म में लिखना चाहें तो आप कितना हो जाएगा, वी नोट साइन ओमेगा टी, इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये तो वोल्टेज फॉर्म होगी और ये वाली क्या होगी, ईएमएफ फॉर्म। ठीक है, तो ईएमएफ में हम इस तरह से लिख सकते हैं। अब देखिएगा, फॉर फर्स्ट हाफ साइकिल की बात करें हम, अगर फर्स्ट हाफ साइकिल की बात करते हैं तो उसके लिए जो टाइम पीरियड है वो कितना हो जाएगा, टी बाई टू हो जाएगा। ठीक है, जीरो से लेके और टी बाई टू। तो उस केस में जो ईएमएफ मीन निकलेगा वो कितना हो जाएगा, जीरो से लेके टी बाई टू तक, यानी ई डी टी अपॉन टी बाई टू। हम सीधा कर सकते हैं किसकी तरह, जैसे हमने करंट के लिए किया था, तो वहाँ पे आई डी टी अपॉन, इसको चाहे तो आप जीरो से लेके टी बाई टू लिख सकते हैं, या फिर आपको टाइम को तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से देखिएगा ई मीन कितना हो गया, यहाँ से देखिएगा टू अपॉन टी तो बाहर हो गया, ये जैसे हम लिखेंगे इसको, और कितना बचेगा यहाँ पे, जीरो से लेके टी बाई टू। ई की वैल्यू कितनी है, ई नोट साइन ओमेगा टी और डी टी, क्लियर। या फिर ई मीन के लिए बात करें तो कितना हो गया, टू अपॉन टी, बच्चों ई नोट कॉन्स्टेंट हो गया। ठीक है, साइन ओमेगा टी का डिफरेंशियल कितना होता है, माइनस कोस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा, कहाँ से, जीरो से लेके और टी बाई टू तक, सॉरी साइन का इंटीग्रेशन कितना होता है, माइनस कोस ओमेगा टी और अपॉन ओमेगा हो गया। अब इसको सोल्व कर सकते हैं अपर लिमिट से और लोअर लिमिट से, यानी यहाँ से कितना हो गया, टू एप्सिलॉन नॉट अपॉन टी, ये हो गया आपके पास वन अपॉन ओमेगा, हमने बाहर ले लिया कोस ओमेगा टी बाई टू, ये हमने यहाँ पे रख दिया उसको, माइनस कोस ओमेगा इंटू जीरो, या फिर टू एप्सिलॉन नॉट अपॉन टी, माइनस को बाहर ले लिया हमने, ये माइनस था जो ये वाला। अब देखिए, आपको पता है कि जो ओमेगा होता है वो कितना होता है, वन अपॉन टू पाई इंटू टी, तो वन अपॉन ओमेगा कितना हो जाएगा, टी अपॉन टू पाई, यहाँ से देखिएगा कोस ओमेगा टी, तो कोस टू पाई अपॉन टी इंटू टी अपॉन टू, माइनस कोस टू पाई अपॉन टी इंटू जीरो, ये कैंसिल हो गया, यानी माइनस टू एप्सिलॉन नॉट अपॉन टी, ये कितना बचेगा, देखिएगा इधर टी अपॉन टू पाई, कोस पाई इन बचेगा, और कोस पाई कितना होता है बच्चों, आपको पता है कोस 180 यानी माइनस वन माइनस, और कोस जीरो भी कितना होता है, वन होता है, यानी इसको सोल्व करेंगे तो माइनस टू एप्सिलॉन नॉट अपॉन टी इंटू टी अपॉन टू पाई इंटू माइनस, माइनस क्या हो गया, प्लस का टू हो गया, तो टू से बच्चों टू कैंसिल हो गया, टी से क्या हो गया, टी कैंसिल हो गया, क्लियर। यानी टू इंटू ईएमएफ नोट, ठीक है ना, अपॉन पाई, ये आपके पास रिजल्टेंट आ गया। और जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये आएगा बच्चों आपका 0.637 ऑफ ई नोट। तो ये क्या होता है, जो टोटल ईएमएफ होता है वो 0.637 ऑफ मैक्सिमम ईएमएफ के बराबर होता है। ये हम बात कर चुके थे कल, किसके अंदर, एसी के अंदर, जब हम करंट की बात करते थे उस केस में, तो करंट के अंदर भी कितना होता है 0.637, और वोल्टेज के अंदर या ईएमएफ के अंदर भी कितना होता है 0.637 ईएमएफ, क्लियर। अब देखिए, ये तो किसके लिए हो गया, ईएमएफ के लिए, यानी लगभग कितना होता है 63% होता है जो ईएमएफ होता है वो पीक ईएमएफ का, मैक्सिमम ईएमएफ का कितना होता है 63%। अब अगर हम बात करें रूट मीन स्क्वायर के लिए, यानी आरएमएस वैल्यू के लिए अगर हम बात करें, तो उसके लिए कैसे कैलकुलेट करेंगे, जैसा हमने एसी करंट के लिए कैलकुलेट किया था आरएमएस वैल्यू, उसी तरह से हम ईएमएफ के लिए भी कैलकुलेट कर सकते हैं आरएमएस वैल्यू। ठीक है, तो नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका वो क्या है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ
एंड ACEMF, यानी जो रूट मीन स्क्वायर है यानी RMS वैल्यू है ACEMF की, उसके बारे में बात करते हैं। अब देखिएगा, सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो ACEMF है वो किसके बराबर होता है, उसके बारे में कि किसी भी सर्किट के अंदर जितने अमाउंट में कोई सेम किसी भी सर्किट के अंदर अगर कोई रेसिस्टेंस जुड़ा हुआ है R, तो आपको पता है कि जब उस रेसिस्टेंस से करंट फ्लो होता है I, तो उस केस में क्या जनरेट होती है, हीट एनर्जी जनरेट होती है, ठीक है ना। तो हीट बराबर कितनी होती है, I स्क्वायर अपॉन R, ठीक है। तो फिर ये होती है H बराबर कितनी होती है, I स्क्वायर R, यानी इतनी हीट एनर्जी जनरेट होती है। तो अगर हम बात करें कि जो अल्टरनेटिव EMF है वो किसके बराबर होगा, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं कि अगर किसी भी सर्किट में, ठीक है, जब हम किसी AC वोल्टेज को फ्लो करते हैं, तो अगर वो भी उतनी ही हीट एनर्जी जनरेट करे जितनी उस सर्किट के अंदर स्टेडी करंट यानी DC करंट फ्लो कराने पर जनरेट होती है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उस AC की वैल्यू को RMS वैल्यू बोलेंगे। यानी जैसे इस सर्किट में किसी भी रेसिस्टेंस में आपने DC फ्लो कराया, ठीक है ना, या स्टेडी करंट फ्लो कराया, तो इसने जैसे 50 जूल एनर्जी जनरेट की सेम टाइम में, तो AC की वो वैल्यू यानी AC करंट की वो वैल्यू जो सेम टाइम में 50 जूल जनरेट करे इस रेसिस्टेंस को से फ्लो होने के लिए, तो उस वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, RMS वैल्यू। यानी जो DC जितनी देर में जितनी हीट एनर्जी जनरेट करती है, अगर उतनी ही अल्टरनेटिव करंट की वो वैल्यू, एक पर्टिकुलर वैल्यू सेम अमाउंट में अगर हीट जनरेट करती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसका RMS वैल्यू बोलते हैं, क्लियर। अब देखिएगा, आपको पता है कि जो हीट होती है वो कितनी होती है, I2R जूल के नियम से, और आपको ये भी पता है कि जो I होता है वो कितना होता है, E/R, यानी आपने ओम के नियम से पढ़ा होगा ना, V=IR, तो यहाँ से I बराबर कितना हो जाएगा, V/R, और यहाँ पर हम सर्किट में EMF यूज करते हैं, ये कितना हो जाएगा, E/R, क्लियर। अब देखिए, यानी यहाँ से जो H है उसको हम क्या लिख सकते हैं कि I² की जगह हम डायरेक्ट लिख दें E/R² इंटू R, यानी जो H है वो कितना हो जाएगा, E²/R। ये क्या होता है, उस सर्किट के अंदर EMF के द्वारा जो हीट एनर्जी जनरेट की जाती है उसके बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। और अगर हम बात करें कि हीट एनर्जी पर यूनिट टाइम है वो कितनी होगी, वो तो ये जो हीट एनर्जी है AC के द्वारा जनरेट की जाती है और जो DC के द्वारा जनरेट की जाती है, तो AC के किस मान के लिए होती है, वो RMS मान के, यानी किसी भी सर्किट के अंदर जो स्टेडी करंट है सेम अमाउंट में जितनी एनर्जी जनरेट करता है, अगर उतनी अमाउंट की जो एनर्जी जनरेट होती है वो किसके द्वारा होती है, RMS वैल्यू के द्वारा, चाहे वो करंट हो चाहे EMF हो। अब देखिएगा, अगर हम RMS वैल्यू की बात करें, ठीक है, तो इसको आप देखिए दो तरीके से सोल्व कर सकते हैं, या तो आप सीधी EMF की इक्वेशन क्या होती है, E0 sin ωt, इससे कैलकुलेट कर सकते हैं आप RMS वैल्यू के निकालने के लिए, यानी कंप्लीट साइकिल की टी तक के लिए हम कैलकुलेट कर सकते हैं। आप चाहें तो इसको इस फॉर्मूले से भी आप इस्टेब्लिश कर सकते हैं, दोनों केस में ये सही माना जाता है। तो देखिएगा, अब हम बात करते हैं कि जो AC सर्किट के अंदर जो इलेक्ट्रिक EMF होता है उसकी RMS वैल्यू कैसे फाइंड आउट की जाती है, ठीक है। तो देखिएगा, RMS वैल्यू यानी अभी पता लग गया आपको कि RMS वैल्यू क्या होती है, कि किसी भी सर्किट में जितनी अमाउंट DC करंट जनरेट करती है हीट एनर्जी का अमाउंट, अगर AC करंट उतनी ही अमाउंट जनरेट करती है, तो वो AC करंट कौन सी करंट कहलाएगी, RMS करंट कहलाएगी, ठीक है। तो देखिएगा, आपको पता है कि अगर हम इसको सॉल्व करेंगे रूट मीन स्क्वायर, यानी जो ERMS है वो कितनी हो जाएगी, 0 से लेके T तक, यानी E²dt/T, यानी इस टी को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इसको लिखना चाहे तो आप ऐसे लिख सकते हैं 0 से लेके T तक, और dt से भी कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट इसको सीधा टाइम पीरियड, तो आपको पता है कंप्लीट साइकिल के लिए कितना हो जाएगा, 0 से लेके T E0 dt²/T हो गया, क्लियर।
अब यानी यहाँ से हम बात करते हैं RMS की, तो जीरो से टी हो गया, यानी इसकी वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं ई नोट साइन ओमेगा टी का स्क्वायर इंटू डी टी अपॉन टी। टी को हमने बाहर ले लिया तो इसको कितना सकते हैं वन अपॉन टी, जीरो से लेके टी तक ई नोट स्क्वायर साइन ओमेगा टी का साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू डी टी। क्लियर? अब बच्चों देखिएगा, हमने कल आपको जब करंट का बताया था, ई नोट स्क्वायर तो बाहर हो गया, जब हमने करंट का बताया था तो उसमें एक आइडेंटिटी लिखाई थी कि जो साइन स्क्वायर थीटा होता है, साइन स्क्वायर थीटा होता है वो वन माइनस कोस टू थीटा अपॉन टू होता है, एक आइडेंटिटी। तो उस आइडेंटिटी को हम यहाँ पे भी यूज कर सकते हैं, यानी जीरो से लेके टी हो गया, साइन स्क्वायर ओमेगा टी को कितना लिख सकता हूँ मैं वन माइनस कोस टू ओमेगा टी अपॉन टू इंटू डी टी। क्लियर? यानी ये आइडेंटिटी हमने यहाँ पर यूज की है। अब इसको हम डिफरेंशियल कर लेते हैं, यानी एक स्टेप इसको ऐसे लिख के एप्साइन नोट स्क्वायर इंटू टी, जीरो से टी लेके वन, टू को भी मैं बाहर लेता हूँ तो वन इंटू डी टी हो गया माइनस जीरो से लेके टी टू कोस टू ओमेगा टी इंटू डी टी। तो यहाँ से देखिएगा एप्स ई नोट स्क्वायर अपॉन टू टी, ये देखिए डी टी यानी कितना हो गया यहाँ पर टी हो गया जीरो से लेके और टी तक माइनस। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे, देखिए कोस टू ओमेगा कितना हो जाएगा साइन टू ओमेगा टी अपॉन टू ओमेगा जीरो से लेके और टी तक। क्लियर? यानी ये हमने इसका डिफरेंशियल कर लिया, डी टी का डिफरेंशियल तो कितना हो गया टी हो गया, और साइन का कितना हो गया कि साइन टू ओमेगा टी अपॉन टू ओमेगा। क्लियर? यानी यहाँ से अब देखिएगा अपॉन टू टी, यहाँ पे टी हो गया माइनस, क्योंकि जीरो रखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, साइन टू ओमेगा। ठीक है, तो यानी वन अपॉन टू ओमेगा, साइन टू ओमेगा यानी टू पाई अपॉन टी इंटू अपर लिमिट हमने टी रखा, माइनस जीरो आ जाएगा वो तो। ठीक है, यानी इस टी से क्या हो गया, ये टी कैंसिल हो गया, या फिर देखिएगा यहाँ पर कि एप्साइन नोट स्क्वायर अपॉन टू टी इंटू टी माइनस, बच्चों वन अपॉन टू इंटू टू पाई अपॉन टी ऊपर हो जाएगा, ओमेगा की वैल्यू को हमने रेसिप्रोकल कर दिया। ठीक है, इंटू साइन की बात करें तो यहाँ पर कितना बचेगा आपके, साइन फोर पाई हो जाएगा माइनस जीरो। आपको पता है साइन फोर पाई कितना हो गया, वापस से जीरो हो गया, यानी एप्साइन नोट स्क्वायर अपॉन टू टी इंटू टी माइनस, ये कितना हो गया जीरो हो गया। जब इसको सोल्व करेंगे तो देखिए कितना हो गया, एप्साइन नोट स्क्वायर अपॉन टू आएगा। ये हम किसकी बात कर रहे हैं, आरएमएस की। तो यहाँ से जो आरएमएस है वो कितनी हो जाएगी, स्क्वायर आएगा इसका, तो यानी ये स्क्वायर रूट हटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, एप्साइन नोट स्क्वायर अपॉन टू, यानी ई नोट अपॉन रूट टू। और बच्चों जब रूट टू की वैल्यू रखेंगे तो वो कितनी हो जाएगी, 1.414, यानी ये आपका आएगा 0.707 एप्साइलन नॉट, यानी जो ई आर एम एस होता है वो पीक वैल्यू का कितना होता है, लगभग 70% होता है। ठीक है, तो इस तरह से हम ई एम एफ के लिए भी मीन वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, और किसके लिए रूट मीन स्क्वायर वैल्यू भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, करंट की तरह सेम, दोनों का सेम रहेगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।